अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं हूँ इस्मत और आप लोग देख रहे हैं सरिब्रम आईटी। स्टूडेंट्स, फूलों और फलों के कलरफुल होने के बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि एनिमल्स के ब्लड के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं और उसकी वजह होती है वो कुछ खास केमिकल जो उनके ब्लड को कलरफुल बना देते हैं। हमारे घरों के आसपास पाया जाने वाला कॉकरोच वैसे तो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन इसका ब्लड वाइट होता है और उसकी वजह होती है हीमोलिम्फ जो इसके ब्लड को वाइट कलर दे देता है। और तो और, दुनिया के बहुत सारे स्पाइडर्स के ब्लड का कलर ब्लू होता है और उसकी वजह ये होती है कि स्पाइडर के ब्लड के अंदर एक खास केमिकल पाया जाता है जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ लगती है वो लगती है लीच के बारे में। जब मैं ये सोचती हूँ कि लीच वैसे तो रेड कलर का ब्लड पीती है, लेकिन इसके अपने ब्लड का कलर ग्रीन होता है और उसकी वजह होती है एक खास केमिकल क्लोरोक्रोइन जो कि इसके ब्लड को ग्रीन कर देता है। ऑक्टोपस को कौन नहीं जानता, ऑक्टोपस बहुत यूनिक जानवर है। इसके पास ब्लू कलर का ब्लड तो होता ही है, लेकिन साथ साथ इसके पास 3 हार्ट होते हैं और 9 ब्रेन्स होते हैं, यानी 9 दिमागों वाला ये जानवर होता है। इसीलिए तो इनवर्टिब्रेट में इसको सबसे ज्यादा ज़हीन समझा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स की। हम सब लोगों को ये बात पता है कि ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड का कलर रेड ही होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में बहुत कम लोग इस तरह के हैं जिनके ब्लड का कलर ग्रीन होता है। ये बात उस वक्त सामने आई जब कनाडा के एक हॉस्पिटल में एक ऐसा पेशेंट आया जिसको ब्लीडिंग हो रही थी और उसके ब्लड का कलर रेड की बजाय ग्रीन था। तहकीक करने पर यह बात सामने आई कि यह बंदा मिग्रेन की बीमारी का शिकार था और अपनी इस बीमारी के इलाज के लिए सल्फर वाली मेडिसिन ले रहा था, जिसकी वजह से इसका ब्लड ग्रीन कलर का नजर आ रहा था। बाद में डॉक्टर्स ने इस बीमारी को नाम दिया सोफ हीमोग्लोबिनीमिया का, यानी ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें एक इंसान के ब्लड का कलर ग्रीन हो जाता है। एक्चुअली इसमें यह होता है कि इंसान के ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के साथ सल्फर एटम कंबाइन कर जाता है और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। स्टूडेंट्स, क्या आप लोग अभी तक यही सोच रहे हैं कि इस बीमारी की वजह सिर्फ और सिर्फ सल्फर वाली मेडिसिन होती हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। वैसे सबसे बड़ा कॉज तो वाकई ये है, लेकिन इसके अलावा इसके और भी कॉजेज हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग H2S गैस को इनहेल कर ले तब भी ये कंडीशन हो सकती है, या आप लोग ऐसे एरिया में रह रहे हों जहां पर सल्फर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तब भी आपके भी ब्लड का कलर ग्रीन हो सकता है। अगर हम लोग बात करें इस बीमारी के ट्रीटमेंट की, तो हमें ये बात पता चल चुकी है कि इस बीमारी के अंदर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। लिहाजा डॉक्टर को क्या करना पड़ता है कि इस पेशेंट को एक्सटर्नली ऑक्सीजनेट करवाने की कोशिश करते हैं, और अगर तब भी बात ना बने तो इस पेशेंट के ब्लड को रिप्लेस कर दिया जाता है नॉर्मल ब्लड के साथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लू बेबीज की। ब्लू बेबीज ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी स्किन पैदाइशी तौर पर ब्लू नजर आती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात तो पता ही है कि इंसान के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर 2 एट्रियम होते हैं और नीचे 2 वेंट्रिकल। इन बच्चों का हार्ट पैदाइशी तौर पर डिफेक्टिव होता है। एक्चुअली ये होता है कि इनके अपर जो एट्रियम होते हैं, इनके बीच वाली दीवार प्रॉपर नहीं बनी होती, उसकी पार्टीशन ठीक तरीके से नहीं बनी होती, जिसकी वजह से इनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होता रहता है। और ये तो बात आपको पता ही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर रेड नहीं होता, और मिक्सिंग की वजह से इन बच्चों के स्किन जो है वो ब्लू नज़र आ रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।